जिस तरह से हमारी रगों में खून एक जगह से दूसरी जगह जाता है और हमारी बॉडी में उसकी वजह से चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं, तो ब्लड हमारी बॉडी की लाइफलाइन है। सेम इसी तरह हमारे देश में ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की वजह से गुड्स और सर्विसेज एक जगह से दूसरी जगह जा पाती हैं, तो ये है हमारी इकोनॉमी की लाइफलाइन। सो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। सो हम लोग अपनी डेली लाइफ में ढेर सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। कुछ चीज़ें हमारे जगह के आसपास प्रोड्यूस होती हैं तो वो तो हमें मिल जाती हैं, बट कुछ चीज़ें दूसरी जगह से ट्रांसपोर्ट होकर हमारे यहाँ लाई जाती हैं। जो लोग ये ट्रांसपोर्ट करके चीज़ें कंज्यूमर्स के पास लाते हैं उनको ट्रेडर्स कहते हैं। तो कंट्री में कितना प्रोडक्शन होता है, साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट सिस्टम कितना अच्छा है, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है इकोनॉमी के लिए। पहले के समय में जो भी ट्रेड होता था वो सीमित था, बट अब साइंस और टेक्नोलॉजी में इतनी डेवलपमेंट के बाद हम किसी भी रीजन से कहीं भी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये सब इसलिए भी पॉसिबल हुआ है क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम बेहतर हुआ है। रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा और इंटरनेट, इन सब की वजह से हमारा सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। इन सब की वजह से ही इंडिया इतनी बड़ी कंट्री होने के बाद भी इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड कर पाती है। गुड्स और सर्विसेज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के तीन तरीके हैं, लैंड से, वाटर से और एयर से। इसी बेसिस पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी तीन तरीके का है। लैंड में आता है रोडवेज, रेलवेज और पाइपलाइन, वाटर में आता है इनलैंड वाटरवेज और ओवरसीज, एयर में डोमेस्टिक एयरवेज और इंटरनेशनल एयरवेज। सो इन सब के बारे में एक एक करके और अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इन सब की वजह से लोकल, नेशनल और ग्लोबल ट्रेड पॉसिबल है। सबसे पहले बात करते हैं रोडवेज की। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की 2021-2022 की एनुअल रिपोर्ट की बात करें तो उसके हिसाब से इंडिया में टोटल 63 लाख किलोमीटर रोड बनी है। सो इंडिया में रोड को 6 क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। पहला है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। इसमें गवर्नमेंट ने दिल्ली से कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली तक 6 लेन का सुपर हाईवे बनाया है। इसी प्रोजेक्ट में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी आता है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में एक तरफ है श्रीनगर और दूसरी तरफ है कन्याकुमारी। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में एक तरफ है पोरबंदर और दूसरी तरफ है सिलचर। इस प्रोजेक्ट का मेन एम है जो मेजर सिटीज़ हैं इंडिया की, उनके बीच में डिस्टेंस कम करना, ताकि कम टाइम में लोग और गुड्स ट्रैवल कर सकें फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये हाईवे प्रोजेक्ट नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट कर रही है। दूसरा रोड है नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवेज कंट्री के एक्सट्रीम पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। इनको बनाने और मेंटेन करने का काम है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का। तीसरी रोड है स्टेट हाईवेज। ये वो रोड हैं जो कि स्टेट के जो भी अलग अलग इम्पॉर्टेंट टाउन्स या सिटीज़ हैं उनको कनेक्ट करती है। इनको बनाने और मेंटेन करने का काम होता है स्टेट गवर्नमेंट का, जो कि करते हैं स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। फोर्थ है डिस्ट्रिक्ट रोड्स। तो स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होते हैं। ये वो रोड हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स को डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग जगह से कनेक्ट करती हैं। इन रोड को मेंटेन करने का काम है जिला परिषद का। फिफ्थ कैटेगरी है अदर रोड्स। इसमें रूरल रोड्स आती हैं जो कि विलेज एरिया को टाउन या सिटी से मिलाती हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंडर जितनी रोड बन रही है वो इस कैटेगरी में आती है। और सिक्स्थ है बॉर्डर रोड्स। ये बनती हैं बॉर्डर एरिया में। इनको बनाने का काम है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है। ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी 1960s में, ताकि हमारे देश का जो नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहां की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए इन रोड्स को बनाने का काम इनको दिया गया है। इन रोड्स की वजह से इन एरियाज में आना जाना आसान हुआ है और इन एरियाज की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुई है। इसके अलावा रोड्स को क्लासिफाई करते हैं मेटल्ड और अनमेटल्ड रोड्स में। मेटल्ड रोड्स वो होती हैं जो या तो सीमेंट, कंक्रीट या कोल के बिटुमेन से बनी हुई होती हैं, यानी कि ये वो रोड होती हैं जो हर मौसम झेल सकती हैं। और अनमेटल रोड्स वो होती हैं जो इन सब से नहीं बनी हुई होती हैं और रेनी सीजन में जिनको यूज नहीं कर सकते हैं, बट इट्स लाइक रियली डेंजरस टू यूज। रेलवेज सबसे पहली ट्रेन चली थी 1853 में मुंबई से थाने तक के लिए। तब से लेकर अब तक 170 साल होने वाले हैं और इतने सालों में रेलवे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रहा है लोगों के लिए, जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह घूमने जाते हैं, काम के लिए जाते हैं और लोग अपने सामान एक जगह से दूसरी जगह बेचने भी जाते हैं। लोगों के साथ साथ गुड्स को भी ले जाने का काम बहुत सालों से कर रही है इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवे 16 जोन्स में बटी हुई है। रेलवे नेटवर्क बनाने के लिए बहुत सी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे नॉर्दर्न इंडिया में जहाँ प्लेन लैंड है, यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ज्यादा होता है, उसको ट्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है इन एरियाज में, तो उनके लिए भी रेलवेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ रेलवेज की वजह से ग्रोथ तो बहुत हुई है, बट यहाँ पे बहुत ढेर सारी नदियां हैं जो कि काफी बड़ी बड़ी हैं, तो यहाँ पे रेलवे ट्रैक बनाने के लिए बहुत सारे ब्रिजेस बनाने पड़ते हैं। पेनिनसुलर रीजन की बात करें, ये बहुत ही हिली रीजन है, यहाँ पे रेलवे ट्रैक बिछाए जाते हैं या तो किसी छोटी हिल में या गैप होता है या फिर टनल बनानी पड़ती है, उधर से ट्रेन पास होती है। हिमालय का जो माउंटेनियस रीजन है, यहाँ पे रेलवेज बनाना बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि पहला तो यहाँ पे पॉपुलेशन काफी कम है, साथ ही साथ टोपोग्राफी ऐसी है कि रेलवे बनाना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए यहाँ लोग मोस्टली रोडवेज से ट्रैवल करते हैं। सिमिलरली वेस्टर्न राजस्थान में जो सैंडी प्लेन है, गुजरात में जो स्वॉम्स हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड के जो फॉरेस्टेड एरियाज हैं, इन सब जगह पे रेलवे ट्रैक बिछाना काफी मुश्किल है। वेस्टर्न घाट्स या सह्याद्री में रेलवे ट्रैक बनाया जाता है हिल्स के बीच में जो भी गैप है। कोंकण रीजन जिसमें महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका आते हैं, ये इकोनॉमिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, बट यहाँ बहुत टाइम तक रेलवे नेटवर्क ही नहीं था। यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी था रेलवे ट्रैक बनाना इसकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस को देखते हुए। तो ये एरिया जो है ये कोस्टल एरिया है, इसके एक तरफ है अरेबियन सी और दूसरी तरफ है सह्याद्री वेस्टर्न घाट्स। यहाँ ट्रेन ट्रैक बनाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जैसे ट्रैक सिंक हो रहे थे, लैंडस्लाइड्स आ रही थी, बट इसके बाद भी यहाँ पे रेलवेज बनाई गई। तो रेलवेज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है इंडिया के लोगों के लिए। देखा जाए तो रेलवेज और रोडवेज दोनों ही इम्पॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए, बट कुछ चीज़ें हैं जिसमें रोडवेज बेटर है एज कम्पेयर टू रेलवेज, जैसे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड्स इज मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवे लाइन्स। रोड बनाने में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम लगती है एज कम्पेयर टू रेलवेज। रोड्स कैन ट्रैवर्स कंपैरेटिवली मोर डिसेक्टेड एंड अंडुलेटिंग टोपोग्राफी, यानी कि रोड्स जो हैं वो डिफिकल्ट टेरेन में भी बनाई जा सकती हैं, चाहे जगह डिसेक्टेड हो या वेवी पाथ हो, वहाँ पे भी रोड बनाई जा सकती है, बट रेलवेज के लिए फ्लैट सरफेस चाहिए होता है। रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप्स, यानी अगर ज़्यादा स्लोप वाला एरिया है वहाँ पे भी रोड के थ्रू लोग जा सकते हैं, जैसे हिमालयाज में। रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्संस एंड रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। जैसे अगर किसी को आसपास के एरिया में जाना है या कम लोग को ट्रैवल करना है, तो रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल एज कम्पेयर टू रेलवेज। रोड्स प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस, यानी कि अगर हम लोग रोड से ट्रैवल कर रहे हैं तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हम डायरेक्टली रोड से जा सकते हैं। रेलवे ट्रांसपोर्ट में अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बहुत से पैसेंजर्स बिना किसी टिकट के चलते हैं, जिससे रेलवे को नुकसान होता है, रेलवे प्रॉपर्टी का नुकसान करते हैं और बिना मतलब के चेन खींचते हैं, जिससे टाइम वेस्ट होता है और ट्रेन लेट हो जाती है। लैंड ट्रांसपोर्ट में एक और चीज आती है, वो है पाइपलाइंस। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट एक नए तरह का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। पहले इनका यूज होता था सिटीज या इंडस्ट्रीज में पानी सप्लाई करने के लिए, अब इनका यूज होता है क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस, इन सबको रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर फैक्ट्री या बड़े थर्मल पावर प्लांट्स तक पहुंचाने के लिए। इनफैक्ट इसकी वजह से बरौनी, मथुरा, पानीपत, इतने इंटीरियर में इंडस्ट्रीज बनाई गई हैं, क्योंकि यहाँ तक पाइपलाइन के थ्रू चीजें आ जाती हैं। इनफैक्ट सॉलिड्स भी बेच सकते हैं पाइपलाइन के थ्रू, अगर सॉलिड्स को स्लरी में कन्वर्ट कर दिया जाए तो। पाइपलाइंस इनिशियली बनाने में काफ़ी पैसा लगता है, बट इनकी यूटिलिटी काफ़ी है, सो पैसा इज़ वेल इन्वेस्टेड, क्योंकि इससे सामान जाने में ना समय लगता है ना ही लॉस होता है। इंडिया में 3 इम्पॉर्टेंट पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। पहला है अपर असम से कानपुर तक, जो कि जाता है गुवाहाटी, बरौनी और प्रयागराज होते हुए। इस पाइपलाइन की ब्रांचेज हैं, जैसे बरौनी से हल्दिया तक, जो कि जाती है राजबंद होते हुए, और राजबंद से एक ब्रांच है जो कि मौरी ग्राम जाती है, और एक ब्रांच है गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक। दूसरी पाइपलाइन है गुजरात की सलाया से पंजाब के जालंधर तक, जो कि जाती है विरंगम, मथुरा, दिल्ली और सोनीपत होते हुए। इसकी ब्रांचेज हैं जो कनेक्ट करती हैं कोयली और चक्सू से। तीसरी पाइपलाइन जाती है गुजरात के हजीरा से एमपी के विजयपुर होते हुए यूपी के जगदीशपुर तक। इसकी ब्रांचेज हैं कोटा के लिए और यूपी में शाहजहांपुर और बबराला के लिए। इसको HVJ पाइपलाइन भी कहते हैं। वाटरवेज एशियन टाइम से ही इंडिया दूसरी कंट्री से कनेक्टेड था सी रूट से। इंडिया से लोग दूर दूर तक जाते थे और इंडिया की चीजें और यहाँ का कल्चर दूसरों तक पहुँचाते थे। वाटरवे सबसे चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ये भारी सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में सबसे अच्छा मीडियम है, क्योंकि ये फ्यूल एफिशिएंट है और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। इंडिया में इनलैंड नेविगेशन भी होता है, जिसकी लेंथ है 14,500 किलोमीटर। इसमें से सिर्फ 5,685 किलोमीटर ही मैकेनाइज्ड वेसल के लायक है, और ये जो इन मैकेनाइज्ड वेसल्स के लायक है, इन वाटरवे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल वाटरवे डिक्लेयर किया हुआ है। नेशनल वाटरवे नंबर 1 है गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में। नेशनल वाटरवे सेकेंड है ब्रह्मपुत्र रिवर में सादिया से धुबरी तक। नेशनल वाटरवे नंबर 3 या वेस्ट कोस्ट कनाल केरला में है, कोल्लम से कोट्टापुरम तक, और इसमें चंपाकरा और उद्योग मंडल कनाल भी आता है। नेशनल वाटरवे नंबर 4 कोरोमंडल कोस्ट में है और ये जाता है काकीनाड कनाल से पुडुचेरी तक। इसमें गोदावरी और कृष्णा रिवर का भी कुछ सेक्शन आता है। और नेशनल वाटरवे नंबर 5 में ब्राह्मणी रिवर का कुछ सेक्शन आता है, मताई रिवर का कुछ सेक्शन आता है, ईस्ट कोस्ट कनाल का कुछ एरिया आता है और महानदी रिवर का डेल्टा चैनल आता है। बाकी कुछ इनलैंड वाटरवेज भी हैं जहां ट्रांसपोर्टेशन होता है, जैसे मांडवी, जुआरी, कुंबुरजुआ, सुंदरबंस, बराक और केरला के बैक वाटर्स। इसके अलावा कोस्ट पर जो पोर्ट्स हैं वहां से इंडिया ट्रेड करता है बाहर की कंट्रीज से। इनफैक्ट जितनी भी ट्रेड करता है इंडिया बाहर की कंट्रीज से, उसमें से 95% ट्रेड सी रूट से ही होती है। मेजर सी पोर्ट्स इंडिया की कोस्ट लाइन है 7,516.6 किलोमीटर्स की। एज वी सॉ 95% ट्रेड हमारा सी से होता है, इसलिए हमारे पोर्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमारे यहाँ 12 मेजर पोर्ट्स हैं और 200 नोटिफाइड नॉन मेजर पोर्ट्स। पार्टीशन के पहले कराची पोर्ट से ही ज्यादातर ट्रेड होता था वेस्टर्न पार्ट का, बट जब पार्टीशन हुआ और कराची पोर्ट पाकिस्तान के पास चला गया तो ये जो ट्रेड था वो मुंबई पोर्ट से होने लगा। बट कुछ साल में कांडला पोर्ट या दीनदयाल पोर्ट, जो कि गुजरात के कच्छ एरिया में है, इसको एज अ मेजर पोर्ट बनाया गया ताकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में जो भी ट्रेड होना है वो इस पोर्ट के थ्रू हो सके और मुंबई पोर्ट पे ज्यादा प्रेशर हो। और ये एक टाइडल पोर्ट है, यानी टाइड के आने की वजह से यहाँ पे पानी का लेवल घटता और बढ़ता रहता है। बात करें मुंबई पोर्ट की तो ये सबसे बड़ा पोर्ट है इंडिया का और ये एक नेचुरल हार्बर है। मतलब यहाँ की पोर्ट की बनावट ऐसी है कि शिप्स यहाँ पे सेफ रहती हैं विंड या फिर वेव से। मुंबई पोर्ट के ट्रैफिक को कम करने के लिए बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू पोर्ट 1989 में। मर्मगांव पोर्ट जो कि गोवा में है, यहाँ से आयरन और एक्सपोर्ट किया जाता है। न्यू मैंगलोर पोर्ट जो कि कर्नाटका में है, यहाँ से भी आयरन और एक्सपोर्ट होता है कुंद्रेमुख माइन से। कोची सबसे साउथ वेस्टर्न पोर्ट है। ये लगून के एंट्रेंस पे सिचुएटेड है। लगून होता है जब एक शैलो बॉडी ऑफ वाटर एक बड़ी लार्ज बॉडी ऑफ वाटर से अलग होती है किसी बैरियर की वजह से। सो एज वी कैन सी कोची पोर्ट इधर है लगून की तरफ। ये भी एक नेचुरल हार्बर पोर्ट है। अब ईस्ट कोस्ट की तरफ आते हैं। यहाँ तमिलनाडु में टूटीकोरिन पोर्ट है एक्सट्रीम साउथ ईस्ट में। ये पोर्ट एक नेचुरल हार्बर है। ये कार्गो हैंडल करता है हमारी नेबरिंग कंट्रीज के लिए और इंडिया के कोस्टल एरियाज के लिए। चेन्नई पोर्ट इंडिया का ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। मुंबई पोर्ट के बाद सबसे ज्यादा ट्रेड इधर से ही होता है। विशाखापट्टनम पोर्ट सबसे डीप लैंड लॉक्ड पोर्ट है और यहाँ से आयरन ओर एक्सपोर्ट किया जाता है। पारादीप पोर्ट ओडिशा में है और यहाँ से भी आयरन ओर एक्सपोर्ट होता है। कोलकाता पोर्ट इनलैंड रिवराइन पोर्ट है और गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन में जो एरिया है उनको सर्व करता है। और क्योंकि ये टाइडल पोर्ट है और रिवर भी अपने सेडिमेंट्स लाती है, तो इस पोर्ट को ड्रेज करना होता है, यानी जो रिवर है उसके नीचे का सैंड को हटाना पड़ता है। कोलकाता पोर्ट में ट्रेड में दिक्कत ना हो इसके लिए हल्दिया पोर्ट बनाया गया था। एयरवेज, आज के टाइम का सबसे फास्ट और प्रेस्टीजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है एयरवेज। इससे हम किसी भी डिफिकल्ट टेरेन्स में जा सकते हैं, चाहे वो माउंटेन रीजन में हो या डेजर्ट्स, घने जंगल में या फिर ओशन में। एयर इंडिया जो कि पहले टाटा एयरलाइंस थी, जेआरडी टाटा ने इसकी शुरुआत की थी, बट गवर्नमेंट ने इसको 1953 में नेशनलाइज कर लिया था। अब इसको वापस से प्राइवेटाइज कर दिया गया है और बिडिंग के बाद ऑफिशियली दे दिया गया है टाटा ग्रुप को। पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है और जो भी हेलीकॉप्टर सर्विसेज चाहिए होती है गवर्नमेंट को, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे ऑयल एंड नेचुरल गैस ऑपरेशन को उनके ऑफशोर ऑपरेशंस में हेल्प करते हैं और जितनी भी इनएक्सेसिबल एरियाज हैं उन सब जगह के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कम्युनिकेशन, जब से ह्यूमंस अर्थ पे आए हैं तब से किसी ना किसी तरीके से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हुए आ रहे हैं और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ये तरीके भी बदल रहे हैं। अब हम अलग अलग कंट्री में होते हुए भी एक दूसरे से आसानी से कभी भी बात कर सकते हैं। कम्युनिकेशन दो तरीके का होता है, एक है पर्सनल कम्युनिकेशन जो हम आपस में करते हैं जैसे ईमेल, लेटर, चैट्स, और मास कम्युनिकेशन जैसे टीवी, रेडियो, प्रेस, फिल्म्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स, जिससे हम अपनी बातें बहुत से लोगों तक पहुंचाते हैं। मास कम्युनिकेशन से हम लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं, साथ ही साथ उन तक गवर्नमेंट पॉलिसीज और प्रोग्राम्स की जानकारी भी दे सकते हैं। इंडियन रेडियो, आकाशवाणी नेशनल, रूरल और लोकल सारी लैंग्वेजेस में लोगों तक जानकारी पहुंचाता है। इसी तरह दूरदर्शन जो कि देश का नेशनल टेलीविजन चैनल है, ये भी लोगों को एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। देश भर में ढेर सारे न्यूज़पेपर्स बहुत सी लैंग्वेजेस में पब्लिश होते हैं, सबसे ज्यादा हिंदी में पब्लिश होते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा फीचर फिल्म्स प्रोड्यूस होती हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन सर्टिफाई करता है फिल्म्स को। इंडियन पोस्टल नेटवर्क वर्ल्ड में सबसे बड़ा है, इसके थ्रू हम पार्सल या फिर पर्सनल मैसेजेस भेज सकते हैं। कार्ड्स और एनवेलप को फर्स्ट क्लास मेल कंसिडर किया जाता है और इनको एयरलिफ्ट किया जाता है, यानी इनको लैंड और एयर के थ्रू भेजा जाता है। सेकेंड क्लास मेल में आते हैं बुक, पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स और पीरियोडिकल्स। ये सरफेस मेल होता है, यानी इसको अर्थ की सरफेस के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यानी लैंड और वाटर से होके पहुंचाया जाता है, एयर के थ्रू नहीं पहुंचाया जाता। ताकि सरफेस मेल थोड़ा जल्दी पहुंच जाए कस्टमर्स तक, इसके लिए 6 मेल चैनल्स बनाए गए हैं जैसे राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल और पीरियोडिकल चैनल। टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, इन सब की मार्केट में आने के बाद से एक दूसरे से बात करना बहुत ही इजी हो गया था और जियो के आने के बाद तो ये सेक्टर बिल्कुल ही रेवोल्यूशनाइज हो गया। कुछ सालों पहले की बात करें, व्हेन आई वाज अ किड आई यूज्ड टू सी दिस लोगो ऑफ पीसीओ, एसटीडी, आईएसडी बूथ्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था लोगों को कनेक्ट करने के लिए। फॉरगेट इंटरनेट, इनफैक्ट फोन कॉल्स भी अफोर्डेबल नहीं थी, बहुत ही एक्सपेंसिव थी। सो पीसीओ, पब्लिक कॉल ऑफिस, ये लोकल कॉल्स के लिए होता था। एसटीडी, सब्सक्राइबर्स ट्रंक डायलिंग, ये होता था इंटरस्टेट कॉल्स के लिए, और आईएसडी, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, ये होता था इंटरनेशनल कॉल्स के लिए। इंटरनेशनल ट्रेड, जब गुड्स एक्सचेंज हो लोगों के बीच में, स्टेट्स के बीच में या फिर कंट्रीज के बीच में, इसे हम ट्रेड कहते हैं। ये सब जो ट्रेड होता है ये मार्केट में होता है। तो जब दो कंट्री के बीच में ट्रेड हो, इसे हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं, और ये ट्रेड लैंड, सी या एयर किसी भी तरीके से हो सकते हैं। तो एक कंट्री जितनी ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड करती है, ऐसा मानते हैं कि उसकी इकोनॉमी उतनी ही स्ट्रांग है। तो इंटरनेशनल ट्रेड में दो चीजें होती हैं, एक है एक्सपोर्ट और दूसरा है इम्पोर्ट। बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। जब एक्सपोर्ट ज्यादा होता है और इम्पोर्ट कम होता है तो इसे हम फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। जब इम्पोर्ट ज्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम होता है तब इसे हम अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। और ज़्यादातर कंट्रीज़ ये चाहती हैं कि उनका फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड हो। जो भी मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं उन सबसे इंडिया के अच्छे ट्रेड रिलेशंस हैं। इंडिया एक्सपोर्ट करती है जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, और इम्पोर्ट होता है हमारे यहाँ पेट्रोलियम, क्रूड प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल्स, बेस मेटल्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मशीनरी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। ऑल्सो इंडिया एक लीडिंग सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने की वजह से भी हमें फॉरेन अर्निंग्स मिलती हैं। टूरिज्म एज अ ट्रेड, इंडिया में कुछ सालों से काफ़ी टूरिस्ट आ रहे हैं, बट कोविड की वजह से ये नंबर काफ़ी कम हुआ है। टूरिस्ट आते हैं तो वो हमारे यहाँ रहेंगे, खाएंगे, घूमेंगे, इन सब चीज़ों की वजह से बहुत से लोगों को काम मिलता है। 15 मिलियन से ज़्यादा लोग टूरिज़्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। टूरिज़्म में ऐसा नहीं है कि खाली बाहर के लोग आते हैं, बल्कि इंडिया में जब लोग घूमते हैं तो वो भी टूरिस्ट ही होते हैं, और ऐसे टूरिस्ट की वजह से हमारे यहाँ नेशनल इंटीग्रेशन होता है, क्योंकि हम अपने देश को और अच्छे से जानते हैं। जो लोकल आर्टिस्ट हैं उनको फ़ायदा होता है टूरिस्ट के आने की वजह से, और जब बाहर के लोग आते हैं इंडिया में तो वो इंडिया के कल्चर और हमारी हेरिटेज को समझते हैं। बाहर से टूरिस्ट इंडिया में कई रीज़न से आते हैं, जैसे हेरिटेज टूरिज़्म, इको टूरिज़्म, एडवेंचर टूरिज़्म, कल्चरल टूरिज़्म, मेडिकल टूरिज़्म और बिजनेस टूरिज़्म। सो इंडिया में इतनी सारी जगह हैं जो कि देखने लायक है, और यहाँ टूरिज़्म प्रमोट करके कई लोगों को काम करने का मौका मिल सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि क्यों हम लोग ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को इंडिया की नेशनल इकोनॉमी की लाइफलाइन कह रहे हैं। सो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, सो गिव इट अ बिग थम्स अप। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। टेक केयर, बाय।